नमस्कार अधिवक्ता साथियों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनीत साथियों सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों आप सभी को पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ए आई बी ई का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और ये फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया है अगर आप नए अधिवक्ता हैं अगर आप किसी स्टेट के बार काउंसिल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आप इस बार का ए आई बी जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है सेवनटीन नंबर का आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैं ए आई बी ई का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उन्हीं सब प्रीवियस ईयर पेपर को आपके सामने ले कर के आया हूँ और पीछे मैं इसी वीडियो पर इसी चैनल पर मैं पीछे तीन सेट आपको करवा दिया हूँ सेट नंबर पंद्रह करवा दिया सेट नंबर का बी करवा करवा दिया हूं और फिर सेट हम 10 करवा आज हम सेट नंबर नंबर हम हम दिए आज इलेवन आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर है जो कि ए एग्जामिनेशन के लिए होता है देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा ए एग्जामिनेशन इलेवन नंबर का है और ये जो सेट है हमने इंग्लिश सेट इसको लिया है आपको देखकर घबराना नहीं है कि जो मैंने सेट लिया वो इंग्लिश का सेट लिया है ये आपका पेपर जो होता है वो अट्ठारह लैंग्वेजेस में होता है हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी पंजाबी हरियाणवी जो भी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के थ्रू तो बिना दोस्तों हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करते हैं लगाना इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इसका आंसर भी मैं आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन 154 अंडर आईटी एक्ट इस जो सेक्शन 154 है आईटी का वो क्या कहता है वो कहता है रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की बात करता है जो सेक्शन सेक्शन नंबर 154 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो सन 2000 का है मींस कि 2000 में ये एक्ट आया था इसका जो सेक्शन नंबर 154 क्या कह रहा है वो कह रहा है रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के बारे में वो बात करता है क्वेश्चन तो नंबर सेकंड देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल असेसमेंट अंडर सेक्शन टू सब क्लास फोर्टीन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी जो इसमें ए और बी दोनों सही होगा एनी स्टॉक ट्रेड और सेकंड जो होगा स्पेशल बेरर बॉन्ड्स 1991 नाइनटी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो दोनों होगा ये करेक्ट इसका आंसर होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की दोस्तों ये सौ क्वेश्चन का सेट होता है मींस कि सौ क्वेश्चन दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और एक एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो एक एक मार्क्स होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चालीस नंबर लेके आना है अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थर्टी परसेंट मार्क्स लाना है मीन्स थर्टी मार्क्स लाना है जिससे कि आप ए का एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेंगे तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द लैंग्वेज विच इज़ टू बी यूज इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज डिसाइडेड बाई थर्ड नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा पार्टीज टू डिसाइडेड बाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब जब हम लोग एडीआर में मैकेनिज्म पढ़ते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन उसी की ये बात की जाती है जो सीपीसी का सेक्शन नंबर एटी नाइन है ऑर्डर वन है रूल टेन है उसी से ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सेल स्टैंड टर्मिनेटेड ज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सेल स्टैंड टर्मिनेटेड जो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एब होगा ऑन मेकिंग ऑफ द फाइनल अवार्ड सेकेंड बाई एनी ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सी वेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एग्रीड टू टर्मिनेटेड प्रोसीडिंग जब वो सब एग्री हो जाते हैं तब ये आपका यहाँ पे जो होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाता है डिस्प्यूट को जो आपका आंसर होगा वो आल ऑफ द एब होगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए एवरी अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी जो लोक अदालत में अवार्ड दिया जाता है उसका क्या मतलब होता है उसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट के तरफ वो काम करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए द आर्बिट्रेशन एंड कौंसिलेशन एक्ट नाइनटीन सेक्शन एट्टीन से ट्वेंटी सेवन स्टेटेड है जो क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स कह रहा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए करेक्ट आंसर होगा द कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की बात करता है जो सेक्शन नंबर अट्ठारह से लेकर के सत्ताईस के बारे में बताता है क्वेश्चन नंबर ऑफ सेवन हम लोग देखते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट्टीन मीन्स कि आपको मैं बता दूं अट्ठारह चैप्टर अट्ठारह सब्जेक्ट हैं इन्हीं अट्ठारह सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सी पी सी होगा सी आर पी सी होगा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट टी पी ए फिर एन आई एक्ट एडवोकेट एक्ट और उसके बाद से मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट फैमिली लॉ इन्हीं सभी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कोई अलग से जी कोई जनरल नॉलेज अलग से नहीं पूछा जाता इसमें जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो लॉ के ही सब्जेक्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट्टी ऑफ सी पी सी इज बाइंडिंग ऑन जो सेक्शन नंबर एट्टी है वो सी पी सी का किसके ऊपर बाइंडिंग होता है तो जो सेवन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबो हाई कोर्ट पे कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जज पे और डिस्ट्रिक्ट जज पे सब पे बाइंडिंग होता है क्वेश्चन नंबर एट देखिए टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड जो टेम्प्ररी इंजंक्शन है वो किस पे ग्रांटेड होता है इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा वो एक्स पार्टी पे लागू होता है जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा क्वेश्चन नंबर नाइन हम देखते हैं राइट टू अपील इज ए जो राइट टू अपील है वो क्या होता है जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेचुरेटरी राइट होगा मीन्स की संवैधानिक अधिकार होगा क्वेश्चन नंबर टेन देखिए द लास्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट वॉज मेड इन किस ईयर में किया गया था जो टेन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा दो हजार दो में ये इसको अमेंड किया गया था सक्सेशन एक्ट को क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है जो इलेवन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा देयर कैन बी देर कैन बी अ विल विदाउट अ कॉडिसल मीन्स कि कहने का मतलब ये है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है ए आई वी एग्जामिनेशन में अगर आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप देख करके चले जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं आठ दस टू तो प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करा दूंगा इस अपने चैनल पे आप उन सब आठ दस वीडियोस को देख करके चले जाएंगे जो मैं आठ दस सेट कराऊंगा उसी में से आपको क्वेश्चन फंसेगा उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको अलग से ए के लिए तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैंने तीन सेट ऑलरेडी करवा दिया है इसी चैनल पर आप चाहेंगे तो उसमें देख लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं जो सेट होता जा रहा है प्रीवियस ईयर का इन सब सेट में मिलता जा रहा है वो क्वेश्चन तो आप बस यही काम करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को 10 से 12 प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख लीजिए उसके बाद से आप देख लीजिए आपका ए भी क्लियर हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करते हैं एज पर सेक्शन सिक्सटी ऑफ इंडियन सक्सेसन एक्ट विल्स विल शुड बी अटेस्टेड बाई जो सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा बाई टू और मोर विटनेसेस की बात करता है सिक्सटी थ्री सक्सेसन एक्ट का क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए इद्दत अब देखिए अब फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा इद्दत अंडर मुहम्नम लॉ रेफर टू जो इद्दत की बात की जाती है मोहम्मद नाम में वो क्या रेफर करता है जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा नन ऑफ द एवोव कहता है अब आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट द मैरिज रजिस्टर द मैरिज रजिस्टर फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाई क्वेश्चन नंबर जो फोर्टीन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए द वर्ल्ड द वर्ड अम्बूट्स मैन डिराइव्ड फ्रॉम जो अम्बूट्स मैन वर्ड आया था ये कहाँ से डिराइव हुआ था देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया जो फिफ्टीन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा स्टेट पब्लिक कमीशन के द्वारा नहीं 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 ये आपका फिफ्टीन का करेक्ट आंसर होगा स्वेडिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये आया गया था अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बताता है अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू एंड इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाई जो जो सिक्सटीन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन अपॉइंट किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन सन दो में इसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आईटी एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है फैमिली लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन के नेचर का कि ये कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पार्ट को आपको रीड करना उसी पार्ट को आप अगर थोड़ा सा सिर्फ एम लगा के चले जाएंगे तो आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा उस समय आपको दिक्कत नहीं महसूस करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू विच ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया गया था तो यहाँ पे जो इसका 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो आई टी एक्ट पास किया गया था टू प्रोवाइड लीगल सैक्शन टू ऑल ट्रांजेक्शन्स फॉर ई कॉमर्स ऑप्शन बी बता रहा है टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ आल डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट ऑप्शन सी बता रहा है दमेंड द अमेंड इंडियन पिनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट टू पनिश द साइबर क्राइम्स मीन्स कि साइबर क्राइम्स को पनिशेबल करने के लिए आई एक्ट को लाया गया था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स जो नाइनटीन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से related, ये रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा आल ऑफ द राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेशन राइट राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स टू सेपरेट फ्रॉम देम कन्विक्टेड राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है पर्सनल लिबर्टी का मामला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए द सुप्रीम द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया जो 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 सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस का वो कौन होता है वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट साहब होते हैं जो ट्वेंटी का करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने लगा है वन लाइनर क्वेश्चन पूछने लगा है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सिक्सटी फाइव ईयर होगा मीन्स की ऑप्शन डी होगा सिक्सटी फाइव ईयर में रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जजेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस चीज का सब्जेक्ट है तो वो है जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिए बेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस हैज बिन डिफाइंड इन जो बेलेबल ऑफेंस है एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है वो किस में डिफाइन किए गए हैं वो सेक्शन टू ए ऑफ सी आर पी सी में डिफाइन किए गए हैं देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप हमेशा पढ़ते रहते हैं हमेशा सुनते रहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी अपॉइंइंटेड बाई किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो ट्वेंटी फोर का आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा स्टेट गवर्मेंट के द्वारा स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए

नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केसेस की बात की जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखिए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन वन सिक्सटी वन कैन बी यूज यूज इन ट्रायल क्या उसको ट्रायल में यूज़ किया जा सकता है जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आपका बात कर रहा है ए फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस कॉन्ट्राडिक्टिंग करने के लिए विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट एक सौ इकसठ का बयान होता है जो पुलिस के द्वारा लिया जाता है उसी के लिए ये होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते हैं पावर ऑफ पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज बाई अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इज प्रोवाइडेड जो ट्वेंटी नाइन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ट्वेंटी नाइन का अब बी ऑप्शन क्या बता रहा है अंडर सेक्शन 190 नाइनटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए एडिशंस और अल्टरेशन ऑफ चार्जेज इज प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी सी किस में दिया गया है कि आप एडिशन कर सकते हैं उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं जो थर्टी का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा अंडर सेक्शन टू वन सिक्स में मतलब कि सीआरपीसी के सेक्शन दो सौ सोलह में बताया गया कि आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं चार्जेस का जो चैप्टर नंबर सत्रह में बताया गया सी में चार्जेस के बारे में बताया चैप्टर चैप्टर सत्रह चार्ज का खतरा जिसमें हम लोग कहते हैं सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी को देखिए विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइडेड प्रोइविट्स फिलिंग अ केसेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन सिक्स उसको प्रोहिबिट्स करती है उसको मना करती है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखिए द पेटेंट एक्ट बी के लॉ इन जो पेटेंट एक्ट लॉ कब बना था थर्टी टू का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा नाइनटीन सेवेंटी में पेटेंट एक्ट लॉ बन के तैयार हो गया था क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं चेक बाउंसिंग चेक बाउंसिंग केसेस चार्ज अंडर सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस ट्राइल्ड बाई किसके द्वारा ट्रायल्ड किया जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो चार्ज किया जाएगा जो एन एक्ट का मामला होता है जैसे चेक किसी का दिया जाता है अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखिए द प्रोविजन ऑफ स्टेबलिसिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर थर्टी फोर का आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा आर्टिकल थ्री वन फाइव में बताया गया है बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आप थर्टी फाइव देखते हैं दोस्तों इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड तेज रखा रखाऊँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हंड्रेड है इसीलिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों का भी वेस्ट ना हो हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं सोच

इम्पोजेज अ फाइन नेम ऑफ द एडवोकेट विल बी स्टक ऑफ फ्रॉम द रोल्स मीन्स की उसको डिबार कर दिया जाएगा सस्पेंशन सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस इन सभी चीजें उनके लिए कर दिया जाएगा अगर वो कहीं पकड़े जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देखिए ऑन बिगेन ऑन बिंग एग्रीव्ड बाई द ऑर्डर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल वन कैन अपील टू थर्टी सेवन में जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप अपील कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई भी स्टेट बार अगर आपके खिलाफ एक्शन लेता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की मैं बात करता हूँ सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट थर्टी एट का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा सेक्शन नंबर थर्टी फाइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देखिए सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ एडवोकेट एक्ट डील्स विद थर्टी नाइन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट हु शुड बी इनरोल्ड इन द बार यही आपका करेक्ट आंसर होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एडवोकेट एक्ट है नाइनटीन सिक्सटी वन का उससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए अंडर द वर्क मैन कंपनेशन एक्ट विच इज विच इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द डिसाइडिंग द एक्सटेंड ऑफ इंजरी ऑफ इंजरी फॉर कंपनसेशन जो फोर्टी का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी इसमें बी और सी को दिखा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट यही दो चीज इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखिए सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री सेज दट द कमिश्नर सेल हैव द पावर ऑफ कमिश्नर के पास क्या पावर होता है फोर्टी वन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा उसके पास कोर्ट का पावर होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फोर्टी सेवन इज फोर्टी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन इंप्लायर एंड इंप्लाइ टीवेंट इन लीगल स्ट्राइक्स और लुकआउट एक्सेट्रा सभी चीजें जो होगी इंडस्ट्रियल फोर्टी सेवन प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्टी थ्री में जो आपका होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा वो स्ट्राइक से रिलेटेड टू क्यू के बारे में बताया गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखिए द लॉ द लैंड एक्वाजिशन एक्ट कैम इंटू फोर्स इंटू फोर्स जो लैंड एक्वाजेशन एक्ट है वो

विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट जो फोर्टी सिक्स का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को उठा करके अब इसको थ्री हंड्रेड ए में डाल दिया गया है कैपिटल ए में डाल दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले यह हमारा फंडामेंटल राइट right हुआ करता था लेकिन फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको हटा करके थ्री हंड्रेड ए में डाल दिया गया था यह हमारा अब लीगल राइट right हो गया है फंडामेंटल राइट right नहीं रह गया अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखिए इन मनेका गांधी केस इट वॉज इट वॉज ऑब्जर्व द मनिका गांधी के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया तो जो फोर्टी नाइन का फोर्टी सेवन का करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा राइट टू गो एब्रॉड विद इन द एमबिट एम्बिट ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वन सब क्लॉज ए बट बट द कॉन्फिक्शन ऑफ द पासपोर्ट इज नॉट नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जो इंदिरा जो मेनका गांधी का केस था ये फॉरेन जाना चाहती थी किसी लेक्चर के लिए लेकिन इनको नहीं जाने दिया गया और पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा पूछा गया कि आप मेनका गांधी जी ने पूछा कि हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था इनको बताया गया कि वहाँ पे आप जाएंगी तो कुछ हो सकता है मीन्स की इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है इसीलिए आपको नहीं जाने दिया जा रहा है यही मेनका गांधी का केस है जो कि आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल नाइनटीन से तो रिलेटेड ये तगड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ये आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी वन से भी रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द राइट टू फ्रीली मूवमेंट जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए क्वेश्चन फोर्टी नाइन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आपका करेक्ट आंसर होगा सी ओनली सिटीजन आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लेम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्लॉज थ्री ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन ट्वेंटी आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो अक्यूज पर्सन सेल बी कंपेल्ड ड्यू टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आपका जो करेक्ट होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ठीक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन की अब केस आ जाता है इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पॉपुलरली नोन एस इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है मंडल केस मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है इंदिरा सानी का केस ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ड्यू टू आउटकम ऑफ द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम्स स्लम्स डेवेलर्स वेयर बेनिफिटेड जो स्लम्स डेवलप थे उनको किस प्रकार का बेनिफिटेड दिया जा रहा था इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एल्डा ओलगा टेलिस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड ये मामला बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखिए अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन किसके अंडर फाइल किया जा सकता है जो फिफ्टी थ्री का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा ए एंड बी दोनों आपका करेक्ट आंसर है फिफ्टी थ्री का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी फाइल अंडर एक मिनट एक मिनट गाइस हम थोड़ा सा इसको कंफर्म कर ले 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी ए एंड बी के अंडर हो सकता है आर्टिकल ट्वेंटी टू ये तो सीधे हाई कोर्ट जाएगा 226 और आर्टिकल 32 ये सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट और अंडर uh, सेक्शन 133 थर्टी थ्री अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मन्स की मेनली जो पी होता है ये दो ही जगह फाइल होता है एक दो में होता है और एक बत्तीस में होता है ठीक इसको आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर की बात करते हैं सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है 54 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी जजेस ट्रांसफर केस को रिलेटेड ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था जजेस को ट्रांसफर को लेकर के ये केस फाइल किया गया था एसपी गुप्ता साहब के द्वारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देखिए सुप्रीम कोर्ट इन अ पी आई नोन एज कमलनाथ केसेज इवॉल्व जो कमलनाथ केसेस से इवॉल्व है जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी मध्य प्रदेश के उन्हीं के बारे में एक केस आया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर होता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्टरीन से ये रिलेटेड केस केस आया था जो कमलनाथ का केस है ठीक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स आप देखिए विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू जो विशाखा गाइडलाइन आई थी वो किससे रिलेटेड है तो ये आपका एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड ये मामला बताया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देखिए कोर्ट पावर टू टू अवार्ड कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 57 सेवन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा अंडर सेक्शन 21 इसका जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा 58 देखिए प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ हैंडराइटिंग इज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के बारे में बताई जाती है वो किस में दिया जाता है वो ए एंड बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा और ए और बी में बताया जाता है बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु इज एक्वांटेड विथ द हैंड राइटिंग जो उसका हैंड राइटिंग देखता हो जो उसका हैंड राइटिंग पहचानता हो वो भी वहाँ पे एविडेंस अपना दे सकता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन देखिए सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड जो ट्वेंटी सिक्स है इंडियन एविडेंस का वो क्या आपको प्रोवाइड करता है जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इंडियन एविडेंस एक्ट का ये आपका डी होगा ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर है नो कन्फेशन मेड बाई अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इन एडमिशेबल और जो सी बता रहा है कन्फेशन मेड इन द इन द इमीडिएटेड मीन्स कि जब ट्वेंटी फोर में हम लोग कोई कन्फेशन करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में ट्वेंटी फाइव में कोई कन्फेशन करते हैं ट्वेंटी सिक्स में कोई कन्फेशन करते हैं तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस दिया जाता है यहाँ पे पुलिस के सामने किया जाता है कन्फेशन और ये कस्टडी में किया जाता है पुलिस की कस्टडी में तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं मान्यता दी जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देखिए द टर्म एविडेंस मींस एंड इंक्लूड टर्म एविडेंस में क्या इंक्लूड है जो सिक्सटी का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा ओरल एविडेंस हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन सभी चीजों को एविडेंस के तौर पे माना जाता है कि सभी एविडेंस होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन देखिए विच इज द अथॉरिटी दैट एट डिटरमाइंस द लैंग्वेजेस ऑफ द कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट विद इन अ गिवन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन टू सेवेंटी वन ऑफ द सी आर पी सी जो सिक्सटी वन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू अ डिग्री कैन बी डिग्री किस प्रकार की होती है जो आपकी डिग्री होती है वो इधर प्रिलिमिनरी होती है और फाइनल होती है कुछ डिग्री प्रिलिमिनरी मिलती है कुछ फाइनल मिलती है सी पी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री देखिए फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड इन सी पी सी फॉरन जजमेंट किस में डिफाइन किया गया है तो आपका ये अंडर सेक्शन टू सब क्लास सिक्स अंडर सेक्शन टू क्लास सिक्स ऑफ सी पी सी में इसको डिफाइन किया गया है कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेटेड अ पब्लिक कंपनी यहाँ पे जो सिक्सटी फोर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा यहाँ पे सात लोगों की आवश्यकता होती है एक पब्लिक कंपनी में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव आप देखिए अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव सिक्सटी फाइव का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करता है जो सिक्सटी सिक्स का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होगा एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन आप लोग देख सकते हैं द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन जो एजेंट टर्म को डिफाइन किया गया है सिक्सटी सेवन में आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा वन एटी टू ऑफ दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग बिजनेस में कितने पार्टनर हो सकते हैं सिक्सटी एट का जो होगा वो बी होगा आपका मीन्स की टेन पार्टनर्स हो सकते हैं 69 जो देता है, उसको हम क्या कहते है? तो जो गारंटी देता है सिक्सटी नाइन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तो यहाँ पे उसको सियोरिटी हम लोग कहते हैं जो गारंटी किसी के बिहार पर देता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखिए विच इज नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड सेवेंटी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा टू अ सर्टेन प्राइस सेवेंटी वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देखते हैं सेक्शन थर्टी सिक्स टू फोर्टी सेक्शन छत्तीस से लेके बयालीस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड सेक्शन सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का जो आंसर होगा वो ए होगा वो इंजेंशन आपको प्रोवाइड कराता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिविल नेचर कौन सा सिविल नेचर नहीं होता है जो सेवेंटी टू का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है यहां पे सी करेक्ट आंसर राइट टू कास्ट एंड रिलीजन की बात करता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री देखिए इन अटूट वे आर द डॉक्टर ऑफ रेस जूडी काटा अपलाइज कहां पे भी रेस जूडीकाटा अपलाइज होता है जो सेवेंटी थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर ए होगा इन सूट इज लाइबल टू टू बी डिसमिस्ड जब सूट को डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि एक सूट पहले ही से कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है दूसरा आप सूट लेके आ रहे हैं तो वो रेस जुडी काटा हो जाता है मीन्स कि एक ही मैटर पे दो मुकदमा नहीं किया जा सकता क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर देखिए अंडर सेक्शन सिक्सटीन सी पी सी सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल अ कोर्ट हुज लोकल जुरिस्टिक्शन इज सेवेंटी फोर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड जहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड हो वहीं पे भी आप अपना केस फाइल कर सकते हैं वही आपका लोकल जुरिस्टिक्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव देखिए प्लीडिंग मीन्स सेवेंटी फाइव में करेक्ट आंसर ए होगा प्लेंट एंड रिटेन स्टेटमेंट जब हम लोग प्लीडिंग फाइल करते हैं तो उसमें प्लेंट फाइल किया जाता है और प्लेंट के साथ साथ रिटेन स्टेटमेंट भी फाइल किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देखिए ऑन फेलियर ऑफ फाइल अ रिटेन स्टेटमेंट अंडर ओरल अंडर ऑर्डर एट ऑर्डर एट रूल टेन ऑफ सी पी सी द कोर्ट में कोर्ट में क्या कर सकता है सेवेंटी सिक्स का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी आपका करेक्ट आंसर होगा एनी ऑफ द एबो पास एनी अदर ऑर्डर ऑर्डर फॉर स्केटिंग स्केटिंग ऑफ द डिग्री मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस ये सभी के सभी आपके होंगे एनी ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन देखिए व्हाट इज व्हाट इज मिंट बाय होमिसाइड होमिसाइड से मतलब आप क्या समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेवनटी सेवन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा किलिंग ऑफ अन बींग्स बाई अनदर ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हम लोग देखते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंकिंग इज पनिशेबल ऑफेंसेज जो एडल्ट्रेशन होता है जो मिलावट होता है ये किस चीज किस चीज़ का पनिशेबल ऑफेंसेज होता है जो 78 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा अंडर सेक्शन 272 से लेकर के 273 सेवेंटी थ्री ऑफ आई पी सी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन देखिए मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आई पी सी इसके लिए कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है जो सेवेंटी नाइन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा डेथ सेंटेंस इसमें दिया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स आर जो क्वेश्चन नंबर एट्टी का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट होगा आर इंट्रोडक्ट इन दी आईपीसी बाई सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया क्वेश्चन नंबर एट्टी देखिए रूपल देव बजाज यहां पे रूपल लिखा है लेकिन होगा रूपल देव बजाज वर्सेज के पी एस गिल्स इस फेमस केसेज विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन ये किया गया था आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ ओम जब 354 का पूरा सीरीज पढ़ेंगे तीन सौ ए तीन सौ चौवन बी तीन सौ चौवन सी तो उसमें ये बताया जाएगा कि रूपल देव बजाज वर्सेस के पी एस गिल्स का ये केस होता है जिसमें आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी की बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 82 देखिए अंडर द हिंदू एडोप्टेशन एंड मेंटेनेंस एट द पर्सन हु इज टेकन इन एडोप्टेशन एटी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा मस्ट टू बी मस्ट टू बी हिंदू ओनली होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटी थ्री देखिए पॉलीगेमी वॉज परमिटेड फॉर हिंदू बिफोर द ईयर जो एटी थ्री का आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है एटी नाइनटीन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एटी फोर हम लोग देखते हैं मोहन गेट्स मैरिज टू हिज सिस्टर डॉटर कृति जो यहाँ पे 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा द मैरिज इज वैलिड इफ द इफ द कस्टम अलाउ इज मैरिज को वैलिड किया जाएगा अगर कस्टम्स अलाउड करता है तो क्वेश्चन नंबर 85 देखिए विद इन द परव्यू ऑफ वाटर एक्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमड इज डिफाइंड एज 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंक्लूडिंग अ रिवर अ वाटर कोर्स एंड देखिए ट्रेडमार्क एक्ट नाइनटीन नाइन नाइन डिफाइन द मीनिंग ऑफ एट्टी सिक्स का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहां है ट्रेडमार्क क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन देखते हैं आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ एमेनिबल अंडर ये 354 का ये मामला आता है अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा 354 का जिसमें रूपल देव बजाज वर्स के पी एस गिल का अपने केस देखा है क्वेश्चन नंबर 88 देखिए सेक्शन 463 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद द क्राइम जो चार का क्राइम होता है वो किससे डील करता है वो फॉर्जरी से डील करता है ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर एट्टी देखिए क्रिमिनल इंटीमिडेशन इज एक्सप्लेन अंडर आई जो क्रिमिनल इंटीमिडेशन होता है एट्टी का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए यहां पे होगा सेक्शन पांच से लेकर में क्रिमिनल की की बात की जाती act, means, है है क्वेश्चन नंबर देखिए अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो होता उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए रखा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स कोर्ट में इंक्लूड्स क्या होते हैं आल जजेस आल मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेटर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते जो 91 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 देखिए एडमिसबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा अंडर सेक्शन सिक्सटी बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देखते हैं च इज नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो नाइन्टी थ्री का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा नाइन्टी थ्री का यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एंड क्रॉस्पॉन्डेंट फॉर्म ऑफ एडवोकेट एंड नोटरी ऑफिस क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर देखिए सेक्शन सिक्सटी सेवन अब मोटर वाइकिल एक्ट नाइनटीन एटी एट प्रोवाइड जो नाइनटी फोर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा स्टेट गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट की बात करता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव देखते हैं द टर्म टॉट इज अ टॉट जो होता है वो क्या होता है उसका करेक्ट आंसर होगा ये फ्रेंच वर्ड है द टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड है ठीक क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स देखिए इन टॉट व्हाट इज द वाइकेरियस लाइबिलिटीरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है ए पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्ग एक्ट डन बाय द अदर पर्सन दूसरे द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो होता है गलती उसी को वाइकेरियस लाइबिलिटी हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन अंडर सेक्शन टू सब क्लास वन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स डिफेक्ट इज मिंट बाय द फॉल्ट इम्पैक्टिंग इम्पैक्टिंग और शॉर्ट कमिंग इन जो नाइंटी सेवन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा आल ऑफ़ द एबो क्वालिटी एंड क्वांटिटी पोटेंसिटी एंड प्योरिटी और स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे की जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड किसको एक्ट ऑफ गॉड का कैटेगरी में रखा जाता है तो जो आपका नाइन्टी एट का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ डी होगा आल ऑफ द एबो ऑल ऑफ द एवो होगा क्वेश्चन नंबर नाइंटी देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन जो इनकम टैक्स एक्ट आया था उसको कब इनेक्ट किया गया था 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नाइन सिक्स में जो 100 नंबर का क्वेश्चन है इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एस जो 100 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा ऑफ द ए वो प्रॉफिट्स एंड गेन होगा डिविडेंट होगा वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन रिसीविंग बाई द ट्रस्ट एंड चैरिटेबल पर्पज होगा तो दोस्तों ये जो सेट मैंने आपके सामने सॉल्व कराया है ये सेट नंबर इलेवन था ए एग्जामिनेशन का दोस्तों अगर इसी तरह से आप जुड़ करके हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपका ए का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा इसका डेट भी आ गया है मीन्स कि पाँच फरवरी दो को ये एग्जामिनेशन होने वाला है होगा उसी डेट को ये एग्जामिनेशन होगा अगर आप ए का तैयारी कर रहे हैं ए का फॉर्म भर चुके हैं तो इस वीडियो को आप लगातार वॉच करते रहिए मैं डेली आप लोगों के लिए एक सेट लेकर के आऊँगा इसी चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें अगर जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल जाए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू